कार्यकारिणी के लिए प्रस्तावित है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार जी भी उपस्थित रहे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था वो आरसीपी सिंह जी ने एक पद को ग्रहण करने का जो सिद्धांत है उसके तहत अपने पद से उन्होंने जाना था, और उन्होंने ही श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह का नाम प्रस्ताव किया, जिसका हमने और वशिष्ठ नारायण सिंह जी जो हमारे दूसरे सीनियर लीडर हैं उन्होंने इसका समर्थन किया, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव होकर के उनको चुन लिया गया। प्रस्ताव नंबर एक और महत्वपूर्ण जो पास हुए हैं, जातिगत जनगणना जारी रहेगी, राय रहनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री से पटना में भी सब समूचा विपक्ष मिलकर के ये मान किया है कि हम सरकार के और आपके इस कदम के साथ, और ये 1918 में संसद से लगभग सभी राजनीतिक दलों के दिनों ने मान किया, ये खाली पिछड़ों की नहीं है। जनगणना जारी होनी चाहिए, स्वर्ण हो, दलित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, इस पर पार्टी ने प्रस्ताव पास किया। नंबर एक। नंबर दो, जेडीयू का संसदीय दल ने प्रधानमंत्री से समय लिया है, समय मांगा है अपना प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर के इस मांग को उनके सामने भी रखेगा कि जातिगत जनगणना जारी होनी चाहिए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रसन्नता जाहिर की है कि नीट के अंदर जो मेडिकल सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, एडमिशन है, उसमें 27% आरक्षण ओबीसी का और 10% इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है जिन्हें आप स्वर्ण गरीब कहते हैं उनका किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद किया। हम लोगों ने जनगणना को लेकर के भी चर्चा की है, हम जनगणना कंट्रोल किए जाने के सबसे बड़े पक्षधर। फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय, उसने कहा है कि साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पे भी भूख की, भोजन की कमी की वजह से भी मृत्यु हो रही है, और मैल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी शिकायत हिंदुस्तान में है, लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण में, और जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन कानून बना करके और जबरन जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकती है ऐसा हमारा मानना है, और आपातकाल के अंदर ऐसा प्रयोग असफल हो चुका है। अब पार्टी ने जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं उनको भी लड़ने का फैसला किया है। हमारी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद एनडीए के अंदर रहकर के चुनाव लड़ना है। अगर सम्मानजनक तरीके से सीटों की तालमेल होती है तो हम एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, वरना पार्टी स्वतंत्र होगी अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। और जैसे मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम लगभग 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, हम मणिपुर में भी चुनाव लड़े, पिछली बार हम न यूपी में लड़े थे न मणिपुर में लड़े थे। और पार्टी के विस्तार के लिए नीतीश कुमार जी भी अन्य राज्यों का दौरा करेंगे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान। अगस्त माह में, यानी जो महीना चल रहा है, इसमें पार्टी की नेशनल काउंसिल, इसमें कई सौ लोग होते हैं, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की एक आवश्यक और इमरजेंट मीटिंग पटना में होगी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो फैसले हुए हैं उस पर मोहर लगवाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मनोनयन हुआ है, चयन हुआ है, उस पर भी मोहर लगी। अगस्त में राष्ट्रीय काउंसिल, राष्ट्रीय परिषद कल नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दिया गया भोजन उसमें शामिल होंगे, वो निमंत्रण स्वीकार।
अगर आपने कहा कि विकल्प पहला एनडीए रहेगा हाँ। तो यूपी में, लेकिन आपने 200 सीटों पर हाँ, अगर नहीं होता है तो नीतीश जी लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके पहले शरद जी रहे, तो पार्टी हमेशा एकजुट रही है। ललन जी पार्टी को कितना एकजुट रख पाएंगे? हमें आशा है, उम्मीद है, वो पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और 40-45 साल का उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। वो कर्पूरी ठाकुर जी के करीब रहे हैं, नीतीश जी के करीबी साथी रहे हैं और वो पार्टी को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगी। हमारा सर, एक मेरा सवाल है कि ललन जी ने बोला कि जो पार्टी के, जो समता पार्टी के टाइम में भी जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको फिर से प्रतिष्ठित करने की कोशिश होगी, पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी, तो क्या हम मानेंगे जैसे शरद यादव हैं और भी ऐसे नेता हैं उनको आगे भी चार करोड़? ठीक नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कुशवाहा जी से हो ही गई जी। जो पुराने जनता दल यूनाइटेड के और समता पार्टी के साथी किन्हीं कारणों से नाराज और निराश होकर घर बैठ गए हैं, उनको पार्टी में लाने का प्रयास किया। सर, जनता दल के इतिहास में 18 साल का जनता दल यू का जो इतिहास है उसमें 18 साल में पहली बार अपर कास्ट के पार्टी अध्यक्ष बने हैं, क्या हाल के पिछले विधानसभा चुनाव में सवर्णों का झुकाव न होना जेडीयू की तरफ से, बीजेपी का बड़ी पार्टी के तौर पर एनडीए के अंदर उभरना, ये कारण रहा है कि ललन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बने ताकि सवर्णों में एक मैसेज जाए? नहीं, हम तो समाजवादी आंदोलन से निकल करके जनता दल यूनाइटेड में आए, और जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो पॉलिटिकली इतना कॉन्शियस होता है, उसको हम बैकवर्ड फॉरवर्ड से नहीं देखते। कभी हमारे अध्यक्ष एस एम जोशी रहे हैं, कभी जॉर्ज फर्नांडीज रहे हैं, कभी चौधरी चरण सिंह रहे हैं, कभी वी पी सिंह रहे हैं, कभी चंद्रशेखर रहे हैं, कभी एस आर बोमई रहे हैं, अब किस किस के नाम गिनाए। तो हमने तो सादा जो सोशलिस्ट हो गया उसकी कोई जाति नहीं है, वो कोई भेदभाव नहीं। लवन जी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं, कर्पूरी जी के सहयोगी साथी हैं। योगी जी से बात किए थे अलायंस को लेकर, तो उधर तक कुछ संदेश आया है कि नहीं? सब पॉजिटिव विद्वान सब तक अभी संदेश आएंगे, अभी तो नहीं आया। ठीक है, बस हो गया। योगी जी एक सवाल, योगी जी जब अपनी पार्टी के शीर्ष लीडर का बात नहीं मानते तो जनता दल यू को सीट देने के लिए कैसे तैयार हैं? मैं तो नहीं कहा आपसे, मुझे इस पर आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने ये नहीं कहा, मैं मिला हूँ इतना बार, मैंने मैं पार्टी की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो उनको कम्युनिकेट कर दी गई।